इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो एक तरफ समूचा देश कोरोना की मार झेल रहा है तो वहीं एक और आफत मंडरा रही है। गुजरात केरल समेत देश के 5 राज्यों में चक्रवाती तूफान टोक्टे का खतरा बना हुआ है। इस तूफान के 17 मई को भारतीय तटों से टकराने की आशंका है। इससे भारी नुकसान का अंदेशा भी है। राहत और बचाव के उपाय अभी से शुरू हो गए हैं। प्रभाव की आशंका वाले 5 राज्यों में NDRF की 53 टीमें तैनात कर दी गई हैं। हर दल में 40 जवान हैं। तूफान की आशंका वाले प्रदेशों और लक्षद्वीप के लिए भारतीय मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। मौसम विभाग के अनुसार अरब सागर के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र शनिवार सुबह तक बढ़ने की आशंका है। इसके बाद 24 घंटे के भीतर ये चक्रवाती तूफान में तब्दील हो सकता है। 16 से 19 मई के बीच यह भयंकर तूफान का रूप लेकर भारी बर्बादी कर सकता है। सबसे पहले इसके गुजरात के तटीय इलाकों से टकराने के आसार हैं। इससे पहले लक्षद्वीप में 15 मई को भारी बारिश की आशंका है। तूफान की रफ्तार 175 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इस तूफान के 16 मई को मुंबई और कोंकण पहुंचने की आशंका है। खतरे की आशंका को देखते हुए महाराष्ट्र के रायगढ़ में 142 बोट को किनारे पर ले आया गया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।